मजलिस इत्तेहाद में तो समझ में आ रही, जज्बाती बात करते हैं, बहकाते हैं और हमारे लोग जज्बात में चले जाते हैं। छोटे छोटे मुर्गी खानों के जैसे मकानात में रह रहे हैं बेचारे, बड़ा अफसोस दिखता है कि सलम बस्तियों में जाएंगे हम तो उनके रहन सहन, कई तालाबे कब्जे कर लिए, कई ज़मीनात कब्जे कर लिए, वो करके अगर अगर टू बेडरूम घरें बना देते तो हज़ारों लोगों को, आज बेघर लोगों को आप आबाद करने वाले बनते थे, और वो काम नहीं करे, जज्बात में खेल रहे और हम जज्बात में बह रहे हैं, पता नहीं कब तक होता। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट का, आज कांग्रेस पार्टी ने दलित, आदिवासी और बैकवर्ड क्लास माइनॉरिटीज़ के हकूक़ पे बात करने के लिए एक बहुत बड़ी सभा यहाँ पर रवि राला के पास मुनक़िद की गई। इस रैली को कामयाब बनाने के लिए हमारे मतीन के क़ियादत में बड़ी तादाद पर यहाँ से 500 मोटरसाइकिल्स जाते हुए चंद्रायन गुट्टे से होते हुए शाहीन नगर तो इस तरीके से हज़ारों मोटरसाइकिल का काफिला ये जाकर ठीक 4:30 बजे ये वहाँ मिलेगा। तो इससे ज़ाहिर हो रहा है कि नौजवानों में एक जोश है, फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी को इख्तदार ले लाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी जाने के बाद जो वादे 12% का करे थे नहीं करे, फिर कोई एक नौजवान को नौकरी नहीं दिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए, मेडिकल कॉलेजेस बंद हो गए, फिर बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो हमारा ये डिमांड है कि जब आप दलित बंधु देने के लिए 10 लाख हैं तो मुसलमानों में उनसे भी ज़्यादा गुर्बत है, तो उनको भी दीजिए आप। जो सुधीर कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि बेघर लोग जो हैं, यानी किराए पर रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा तमाम तेलंगाना के कम्युनिटीज़ में निकाले तो मुसलमान 43% मकाना नहीं है सवाले हैं, दूसरों में 16% है, 18% जिसको मकान है, लेकिन मुसलमानों में 43% है। मगर ये बात ना हुकूमत को समझ में आ रही, ना मजलिस इत्तेहाद को समझ में आ रही, जज्बाती बात करते हैं, बहकाते हैं और हमारे लोग जज्बात में चले जाते हैं। छोटे छोटे मुर्गी खानों के जैसे मकानात में रह रहे हैं बेचारे, बड़ा अफसोस दिखता है कि सलम बस्तियों में जाएंगे हम तो उनके रहन सहन, तो उसके ऊपर हमें गौर करना है। मेरा ये मुतालबा है कि तुम 52 साल से यहाँ को रहने वाले लोग जो हैं क़यादत थे, कई तालाबे कब्जे कर लिए, कई ज़मीनात कब्जे कर लिए, वो करके अगर अगर टू बेडरूम घरें बना देते तो हज़ारों लोगों को, आज बेघर लोगों को आप आबाद करने वाले बनते थे, और वो काम नहीं करे, जज्बात में खेल रहे और हम जज्बात में बह रहे हैं, पता नहीं कब तक होता। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट का ये वादा है, जहाँ ज़मीन है वहाँ घर बनाओ, हम पैसा देंगे, जहाँ नहीं है हम खरीदेंगे, वहाँ बेघर लोगों को ये टू बेडरूम के मकानात, बड़े बड़े मकानात बनाकर बेघर लोगों को घरें देने का हम इंतजाम करेंगे। शबीर साहब, आपके ब्रेक में आपकी हुकूमत में 4% मिला है, लेकिन अब केसीआर हुकूमत ने बोली 12% देता हूँ बल्कि ऐलान करे थे, आपके तरफ से कुछ इसके ऊपर? उन्हें नहीं दे सकता, उसका बाप नहीं दे सकता, उसका दादा नहीं दे सकता, मर गए तो खबर में छूट के आके भी नहीं दे सकते, वो नहीं होने वाली चीज़ है। हमारी 4% को 5 से हम 4 करके आज 16 साल से सक्सेसफुल रिजर्वेशन करने से 20 लाख बच्चे आज हर घर में एक इंजीनियर बच्चा बना है, वरना सब बंडियां ढगल लेते हुए रहना पड़ता था। तो आज 12% के कोई अदालत में नहीं है, लेकिन अभी एक हाल ही में पार्लियामेंट का कानून मंजूर हुआ है, देखना कि उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को कोई मर्रात मिलते हैं नहीं मिलते हैं, लेकिन इसकी नीयत साफ नहीं है, वो नहीं देना चाह रहा है। हम बोले कि भाई तुम 12 के बजाय 8 करो, कुछ ना कुछ बढ़ाओ, हम 4 दे रहे ना, तुम 1-4 बढ़ाओ, सुप्रीम कोर्ट कोर्टों को मनवाएंगे हम, मगर उनका देने की नीयत ही नहीं है। और यहाँ मौजूदा जो मुस्लिम जमाते हैं वो पूछ रहे भी नहीं, ना मुसलमानों को घर का मुतालबा करते हैं, ना मुसलमानों को नौकरियों का मुतालबा करते हैं, ना फिर आखिर बाहर की मस्जिद इनको याद है, बाबरी मस्जिद याद है, वहाँ पर मथुरा की मस्जिद याद है, और कहीं है, लेकिन यहाँ के सेक्रेटरी की मस्जिदें याद नहीं है लोगों।
है।